हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है। वो आपका टर्म 2 एग्जामिनेशन को लेकर कि टर्म 2 का एग्जामिनेशन का आपके क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, आपके क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पुराने पैटर्न पर ही होगा, रटा रटाया पैटर्न पे, या फिर नया रियल लाइफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे। इसके बारे में सीबीएसई के जो आपके डायरेक्टर हैं, उन्होंने सीबीएसई कमेटी को आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के आपके ऑफिसर जो है एग्जामिनेशन कंट्रोलर यानी पूरी कमेटी को इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे दिया है कि क्वेश्चन जो कोविड सिचुएशन को देखते हुए दो टाइप्स का क्वेश्चन बनेगा। सो मैं पूरी तरह से आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है और किस प्रकार का आपका क्वेश्चन इस बार अब आने वाला है। और एक बात तो अभी तक माइंड में सेटअप रख लीजिए कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि टर्म 2 एग्जाम कैंसिल होगा, तो ये बात अभी तक आप जान लीजिए कि टर्म 2 एग्जाम अभी कैंसिल होने के कोई चांसेस नहीं बन रही है, जहां तक सीबीएसई अपडेट अपने आप को कर रही है। सो स्टूडेंट्स, इस भ्रम में रहकर आप अपनी तैयारी को ना करें, ऐसी धोखा अपने आप को प्लीज ना दे। और मैं इस चैनल पे जो भी चीज बताने की कोशिश करता हूं वो कहीं ना कहीं से बेहतर इंफॉर्मेशन होता है, तभी मैं आप लोगों तक डिलीवर करता हूं। सो गाइस, चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, आप देखते हैं क्या बोले हैं सीबीएसई के आपके डायरेक्टर, जो हमारे हैं सीबीएसई के डायरेक्टर डॉक्टर जोसेफ सी ने क्या बताया है, वो मेरा अपडेट अब यहां देखिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बताया सैंपल पेपर का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि दो तरह का सैंपल पेपर तैयारी करना है, 100% ऑब्जेक्टिव होगा और 100% सब्जेक्टिव होगा। अब यहां पर दो तरह का सैंपल पेपर तैयारी करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ सैंपल पेपर से संबंधित उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी क्वेश्चन तैयार किया जाएगा सैंपल पेपर, वो 2 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन के होंगे, विदाउट एनी 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑल द मेन सब्जेक्ट। जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन अराइज नहीं किया जाएगा, 2 या 5 नंबर का। यहां पर मैं आपको एक और अपडेट देता हूं, देखिए यहीं पर से आर्टिकल्स में अगर आप देखेंगे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है, इन्होंने साफ साफ बताया है कि सीबीएसई का जो पैटर्न होगा, जो ये मैं आपको थंबनेल में यहाँ पर साइड में भी आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ भी आप देखिए मैंने लगा दिया है कि आपसे पूछा कैसा जाएगा, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, सब्जेक्टिव में आगे जाइएगा तो भी ऐसे ऐसे और एल ए। अब यहां पर जो है आपको कंपिटिटिव टाइप का, यानी कंपिटिटिव कहने का अर्थ यह है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द रियल लाइफ एंड व्हाट इज द एक्चुअल अंडरस्टैंड, यानी पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद आपने क्या समझा है ये पूछा जाएगा। जैसा वो पुराने क्वेश्चन नहीं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एकदम रटा रटाया हुआ नहीं, उसके जो एप्लीकेशन होंगे वो उस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाएगा। साथ ही था यहां पर बताया गया है कि एप्लीकेशन नॉलेज बेस्ड का क्वेश्चन होंगे, प्लस क्या है आपको क्रिटिकल थिंकिंग, अच्छे मतलब हाई थिंकिंग लेवल का आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि सारे टीचर को भी जो है वो तैयारी करने के, स्कूल को भी इंस्ट्रक्शन इस विषय में मिल गया है कि आप ईडू कार्ड है ना, ईडू कार्ड जो है वो अच्छी सैंपल पेपर तैयार कर रही है, और बहुत जल्द आपको सैंपल पेपर उसी का, दो तरह का सैंपल पेपर सीबीएसई के वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये आ गया कि अब दो तरह का क्वेश्चन पूछने से अर्थ क्या है, क्या सीबीएसई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेगी या सब्जेक्टिव लेगी, अब यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी जो आप जान रहे हैं कोविड का कैसे जो है, इसको ओमिक्रॉन का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है, डेल्टा ओमिक्रॉन प्लस कंबाइन हो गया है, तो अगर ये सिचुएशन ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा बढ़ने के बाद जब ये आपके एग्जाम सब्जेक्टिव लेने इम्पॉसिबल जब रहेगा, तो बच्चे ऑब्जेक्टिव भी तैयारी फिर कर सके एमसीक्यू 100%, तो उन बच्चों को वो क्या कर देगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेके कंडक्ट करके ऑब्जेक्टिव बेस पर आपको ले लेगी, और अगर सिचुएशन सब कुछ बेहतर रहा तो वो सब्जेक्टिव 100%। यानी कि कोविड का या ओमिक्रॉन का सिचुएशन देखकर सीबीएसई ने दोनों तरह से तैयारी कर रखी है। अब ये देखना है कि ईश्वर हम लोगों का क्या मदद करती है, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए होंगे या सब्जेक्टिव होंगे। सो स्टूडेंट्स, पूरा डिटेल के लिए और बेहतर के लिए चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जय हिंद।